नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एसी टेस्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तार छील लेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले होल्डर नहीं लगाना है, इसमें हमें प्लग कसना है। तो इस तरह से हम जो एक सिरा है तार का, उसमें प्लग कस लेते हैं। तो इस तरह से हमने प्लग कस देना है। ये हमारा 2 मीटर तार है। तो इसमें हम बीच में कहीं भी, चाहे लाल या काला कोई तार, एक तार कोई कट कर लेंगे। और इसमें हम होल्डर लगा देंगे। होल्डर के ढक्कन में हम तार लगाएंगे। तार निकाल लिया है, उसके बाद कटर से इसको छील लिया है, उसके बाद में हम होल्डर में कस देंगे ये तार। इस तरह से दोनों तार अलग अलग स्विच में कस देने हैं। तो इस तरह हमने होल्डर में दोनों तार कस दिए हैं, जो 2 छोर थे हमारे। उसके बाद में हम तार को बराबर कर लेंगे। तो इसमें हम 100 वाट का बल्ब लगाएंगे। तो हमने बल्ब लगा दिया। उसके बाद में हम टेस्ट करने वाले हैं। तो ये दोस्तों देखो, हमारा टेस्टर तैयार है। अब हम टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा रिसीवर है डीटीएच का, इसे चेक करने वाले हैं, हमारा करंट इसमें आ रहा है कि नहीं। तो एक हमने प्लग में तार लगाया, एक हमने इसमें अर्थ में लगाया। तो प्लग के दोनों सिरे में किसी में भी करंट नहीं आ रहा है, इसके मतलब है इसमें करंट नहीं आ रहा है। अगर इसमें करंट आता होता तो ये हमारा बल्ब जल जाता। इसी तरह से अब हम लीड चेक करने वाले हैं। तो इसमें देखो जला है ये लीड, एक तार सही है लाल रंग का। हम ऊपर वाले प्लग में लगाएंगे तो ये दूसरा तार भी सही है। उसके बाद में जो ऊपर मोटी पिन वाला हरा तार होता है, अर्थ वाला, वो नहीं चल रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी लीड सही है। तो इसी तरह हम पंखा भी इसी तरह टेस्ट करेंगे। क्योंकि एक देखो सिरे में हमारा बल्ब जल रहा है और एक सिरे में नहीं जल रहा है, इसके मतलब यह है कि हमारा पंखा के अंदर वाली जो कॉइल है वो ख़राब है। तो दोस्तों, इससे हम पंखा की टेस्टिंग भी कर सकते हैं, स्टेटर की। तो वीडियो अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।